बेलगाम में एक बार फिर बारिश के कहर से हुआ शहर का बुरा हाल। कल रात भर हुई तेज रफ्तार बारिश से शहर के अक्सर इलाके पानी से भर गए हैं। ये तस्वीरें हैं शहर के उज्जवल नगर की, जहां आप देख सकते हैं कि रास्ते पानी से भरे हुए हैं। इलाके की अवाम इंतजामिया और मकामी कॉरपोरेटर्स की अदम तवज्जुही को जिम्मेदार ठहरा रही है। हमारे कॉरपोरेटर कहाँ है? हमारे कॉरपोरेटर कुछ देखते नहीं, यहाँ का कुछ सुनते नहीं, गटर साफ करते नहीं, गटर का कचरा ऐसा रहता है। ना कॉरपोरेटर ना कार्यकर्ता आते ही, कार्यकर्ता को 10 बार बोले तो भी हाँ करते ही बोल कुछ जाते ही, उन्हें भी नहीं करते गटर साफ। तो हमें क्या करना है? ऐसा पानी आ रहा है, बच्चे स्कूल जाने वाले करने वाले, ऐसा गंदे पानी में कैसा जाने का, कैसा आने का। उज्जवल नगर बेलगाम, उज्जवल नगर मेन रोड पे जो क्रॉस गए सो है 8, 9, 10, 11, 12 क्रॉस तक पूरा रोड के ऊपर पानी है। गटर में का पानी पूरा ऊपर आ रहा है, कॉरपोरेशन वालों ने कुछ ध्यान दे रहे नहीं और इधर आके देख रहे नहीं, कुछ पानी निकालने वाले कोई है नहीं। आगे एक रास्ता बना के पानी निकालना चाहिए, निकालने को तैयार नहीं है। उनको 10 टाइम कंप्लेंट किए सो है पानी इधर रुक रहा है बोल के, तो भी करने को तैयार नहीं। बच्चों को ये बीमारियों का ज़्यादा होने का खतरा बना हुआ है, तो गंदी बास गीस बहुत उठ रही है कि आके जल्द से जल्द इसको क्लियर कराएं। के अंदर जो है बारिश की वजह से सारे गटर पूरे पैक हो चुके सो है। कॉरपोरेशन वालों का ख्याल नहीं है, कॉरपोरेशन वालों को 1000 बार कंप्लेंट करने के बाद में भी जो है सिर्फ आते हैं काम कचरा जमा से उतना उठा के लेकर जाते हैं। गटर साफ करना, गटर क्लीन करना, ये जो है कॉरपोरेशन के कॉन्ट्रैक्टर का काम है और कॉरपोरेटर का काम है। ये लोग सब जो है कि नहीं उज्जवल नगर को नज़रअंदाज कर को जो है कि नहीं अपने जो है तवा अपने तवे पर जो है रोटी सेकने को जाने लगे सो है। आज जो है कि पोजिशन उज्जवल नगर के अंदर ऐसी है, छोटे छोटे बच्चों को डेंगू का प्रॉब्लम हो रहा है, मलेरिया का प्रॉब्लम हो रहा है। अगर उनके जान को क्या भी प्रॉब्लम है तो कौन जिम्मेदार होने वाली है? इसके जो भी अगर कुछ भी नुकसान होगा, बच्चों को क्या भी प्रॉब्लम होगा, क्या भी उनके जान पर आपत होंगे, तो इसकी जो सिर्फ जिम्मेदार जो है कॉरपोरेशन रहेंगे। अगर आप कॉरपोरेशन पानी इतना भर के बैठे है, इधर कॉरपोरेटर भी आता नहीं है, बंजी सब कोई भी आता नहीं, साफ करने के लिए कोई भी नहीं है इधर, और कोई आके देखने को तैयार नहीं है इधर। और पूरा पानी हमारे बच्चों स्कूल को कैसा जाना, हम कैसा भेज देना, और बीमारी फुल चालू है इधर, डेंगू चालू है, और ऐसे बच्चे ऐसे पूरा बीमार पड़ रहे हैं, इसका कौन इंतजाम कर रहा है? कौन कॉरपोरेशन थोड़ा तो ये कर रहा है, इधर यहाँ पर आ रहा है, इधर पूरा ऐसा पूरा आ रहा है, गटर को ये साफ करने वाले नहीं है, अंदर पूरा कचरा भरा हुआ है। वो ब्रिज है वो ऊपर उठा के देकर के कंप्लेंट किए थे कॉरपोरेशन वालों को, कुछ करने को तैयार नहीं कॉरपोरेशन वाले। ये देखो ना इतना अभी घर थोड़ी पानी, अंदर थोड़ी पानी घुसा हुआ है, कोई भी आके देखने को तैयार नहीं। कॉरपोरेशन वाले बुलाए तो आज बुलाए तो 8 दिन के बाद में आके देख के जाता है, वो कोई भी आके देखने को तैयार नहीं। पानी में देखो कचरा भर को जा रहे हैं और बारिश के पानी पूरा रोड पर है, और बच्चे स्कूल जाने का है और सांपा कीड़े मकोड़े घर में घुसने लगे हैं, कैसा करने का? बच्चे आ रहे नहीं और बाहर अभी आए तो तकलीफ है, बच्चे गटर में पवा जा रहे हैं। ज़रा कॉरपोरेशन वाले, ज़रा हमारे कॉरपोरेटर साहब भी ज़रा यहाँ ध्यान देना, और कॉरपोरेशन वाले भी ज़रा यहाँ अपने गटर काटने वाले को भेज देना और गटर ज़रा साफ करना, बहुत पानी पूरा रोड पर आ रहा है। वहीं अमन नगर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर रास्ते तालाब बन गए हैं।
वीरभद्र नगर में रास्ते और घरों में पानी घुस गया है। वीरभद्र नगर के अक्सर मकानात इस वक्त पानी की जद में आ चुके हैं। इसके अलावा शहर के अहम रास्तों का भी यही हाल है, जहां पर आप देख सकते हैं जगह जगह रास्तों पर पानी भरा हुआ है, जिससे राहगीरों और सवारियों को गुजरने में काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही हैं। बारिश में बेलगाम की यह हालत कोई नई बात नहीं है। इंतज़ामिया और आवाम दोनों को इसकी आदत सी हो गई है। आवाम का मसला यह है कि जब बारिश से पानी जमा होता है तो शिकायत करते हैं, बारिश के बाद फिर अपनी सी जिंदगी में मस्त हो जाते हैं। और इंतज़ामिया का तो पूछना ही क्या, जब कोई लीडर बेलगाम आए तब थोड़ी मरम्मत कर लेंगे और उसके बाद आराम ही आराम है। वैसे उज्ज्वल नगर, अमन नगर या फिर वीरभद्र नगर इलाके अक्सर बारिश से मुतासिर होते रहते हैं। गटार और ड्रेनेज का नज़्म सही नहीं है और पानी के बहाव के लिए कोई साफ रास्ता भी नहीं है। खैर, बारिश से जहां आवाम को परेशानी होती रही है, वहीं स्मार्ट सिटी की पोल भी खुलती रही है, लेकिन बावजूद इसके बेलगाम को स्मार्ट सिटी कहना पड़ता है।